Okay, Sairam children, once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes? With H square, F square. Very good. First of all, though, as you must be knowing, what's special is today? मैम क्या है? न्यू ईयर ऑफ हिंदू. यस, इट्स गुड़ी पड़वा. चैत्र महीना शुरू होता है आज से, और चैत्र महीना हिंदू महीनों के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट मंथ होता है. जैसे हम लोग जनवरी को फर्स्ट मंथ मानते हैं, तो हिंदू वर्ष के अनुसार चैत्र महीना जो होता है वो पहला महीना होता है ऑफ द ईयर, है ना? किसी को आते पूरे महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम? डज एनीवन नो? रामा, हिंदी महीनों के नाम पता है तुम्हें सारे? भूपेंद्र को पता है? वेरी गुड भूपेंद्र, बताओ. बताओ बेटा. रामा को भी पता है? वेरी गुड भूपेंद्र, स्विच ऑन योर माइक एंड बताओ. अरे कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर बताया था, आई विल मेक इट करेक्ट. उस पर थोड़ी डांट पड़ने वाली. जल्दी बताओ. अच्छा, चैट बॉक्स में लिखेगा भूपेंद्र. रामा तुम बताओ. स्विच ऑन योर माइक बेटा. हाँ, चैत्र आगे. अच्छा, नकुल राजी. हाँ मैम जी. हाँ, माइक ऑन रहने दो ना. माइक क्यों ऑफ कर रही हो? पूरे बताओ लाइन से जितने आते हैं. मैम आशार. माग. नहीं. अच्छा हाँ, ओके. नकुल, अच्छा सुनो. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये होते हैं पूरे 12 महीने हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग. हमें बेटा ये सब चीजें पता होनी चाहिए. वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, हमें अपनी संस्कृति के बारे में तो पता होना ही चाहिए. चलो ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल तो ना भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए. ओके, तो जैसे आज से हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो सारे बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं. माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू एज यू आर अपीयरिंग इन बोर्ड क्लास दिस ईयर. होपफुली एवरीथिंग शुड गेट ओके, है ना? एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, हम सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाए और फिर से स्कूल में मिले और अपनी प्रॉपर रेगुलर क्लासेस को एंजॉय कर पाए. यस ना? यस मैम. और तुम्हारी एग्जाम भी जो है सब प्रॉपरली अच्छे से कंडक्ट हो पाए इन द कमिंग ईयर, और बोर्ड एग्जाम में तुम सब खूब सारे अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ और नए नए रिकॉर्ड्स बनाओ, है ना? 100 out of 100 लाने का रिकॉर्ड बनाना कोई मैथ्स में, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा. ओके, ऑल द बेस्ट. चलो, व्हाट वी हैव टू स्टार्ट टुडे? मैम इरेशनल प्रूव कर मैम कल मैंने बताया था हाउ टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ मैम रूट टू इरेशनल प्रूव किया था. हाँ, और मैंने तुम्हें रूट 3 और रूट 5 खुद से करने के लिए बोला था, राइट? यस मैम. यस मैम. हाँ, किया तुम लोगों ने? यस मैम. यस मैम. हाँ, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई दिक्कत होगी, है ना? कौन सी एक्सरसाइज थी वो तुम्हारी एनसीईआरटी की? 1.3. ओके, 1.3.
1.3 ठीक है। देखते हैं अब इसमें आज कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। कॉम्बिनेशन वाले ही अधिकतर पूछते हैं, सिंगल रूट टू रूट थ्री का बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी वी शुड नो हाउ इट इज टू बी प्रूव्ड। कई बार आ भी जाता है मतलब, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। तुमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स अगर देखे होंगे कभी। ठीक है 1.3 है ना, ओके 1.3 आई थिंक आई हैव नॉट शेयर्ड माय स्क्रीन येट। यस मैम। ओके इज इट विजिबल, कैमरा ऑफ करती हूँ ताकि फिर नेटवर्क इशू नहीं आता है। ठीक है माय स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। देखो एक्सरसाइज 1.3 वी विल गो थ्रू इट। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल, दैट यू डिड यस्टरडे। यस यस मैम। देन व्हाट वाज नेक्स्ट, हाँ ये वाला देखो क्वेश्चन टू यही है, शो दैट 3+√5 इज इरेशनल। यस मैम। मैम 2√5 है मैम। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 2√5 को हम बाद में देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ना, उसको भी देख लेंगे। देखो व्हाट, हाँ द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3+√5 लिखा हो चाहे सिंपली √5 लिखा हो, प्रोसीजर विल बी सेम, है ना। पहले समझ लो ध्यान से कैसे प्रूव करते हैं, वही कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू शो, प्रूव दैट 3+√5 इज इरेशनल। देन व्हाट विल वी टेक बेटा, इसको लेट अस सपोज दैट इट इज अ, क्या सपोज करोगे, इट इज रैशनल नंबर। तो इफ इट इज अ रैशनल नंबर देन वी विल राइट इट इज equals to p by q, p by q के फॉर्म में लिखो चाहे a by b के फॉर्म में लिखो, any letter you can use. तो 3+√5 is equals to p by q be a rational number. जब भी ये चीज लिखो ये condition it is must to write that p and q are co-prime and q is not equals to zero, है ना, ये condition जरूरी है लिखना क्योंकि इसी पे based हमारा proof होता है, तभी तो contradiction आता है ना बेटा, है ना। Yes ma'am. ये ध्यान रखना, ये कंडीशन लिखना जरूरी है। ओके अब क्या करते हैं, पी बाई क्यू को ऐसे ही रहने दो, ये जो थ्री है इस थ्री को हमने आरएचएस में ट्रांसपोज किया तो क्या बच जाएगा, 2√5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 3। यस प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हाँ अब एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्यू और 3 के अपॉन में कुछ नहीं यानी 1, तो क्यू और 1 का एलसीएम होगा क्यू, तो क्या आ जाएगा पी माइनस 3 क्यू अपॉन क्यू आएगा। Yes, ये साथ साथ लिखते भी जाओ तो मतलब तुम्हें समझ आएगा कि एलसीएम कैसे ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब बेटा ये आ गया है एलएचएस में कौन बचा है, 2√5, तो हम इस 2 को भी क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब जब भी कोई कॉम्बिनेशन हो इस तरह से ध्यान से सुनना, व्हाट इज अवर टारगेट, वी शुड कीप आइदर √5 √2 √3 व्हाटएवर इज देयर इन द कॉम्बिनेशन, सिर्फ उसको अकेले एक साइड में रखना एलएचएस या आरएचएस किसी भी एक साइड में, और बाकी उसके साथ जो कुछ भी है उसको दूसरी साइड में ले जाना। उससे क्या होगा, अब देखो जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया व्हाट डू वी गेट, √5 इज देयर इन एलएचएस एंड इन आरएचएस पी माइनस 3q/2q। अब आरएचएस को देखो, आरएचएस क्या है पी माइनस 3q, पी और क्यू जो थे इंटीजर्स है को प्राइम थे, मतलब आरएचएस हो गई तुम्हारी रैशनल नंबर। यस Yes, ma'am. हाँ yes, और एल एच एस में कौन बचा है, √5 और √5 कैसा नंबर है,
रूट फाइव कल तुमने प्रूव किया इरेशनल, तो रूट फाइव इरेशनल है, तो LHS में इरेशनल है और RHS में रैशनल है, तो क्या है कि रैशनल और रैशनल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? नो मैम, नहीं हो सकते, बट इनके बीच तो इक्वालिटी साइन आ रहा है, इट मींस RHS इज रैशनल एंड इसका मतलब रूट फाइव भी रैशनल होना चाहिए तभी ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि हमको पता है कि रूट फाइव तो इरेशनल है, इसलिए थ्री प्लस टू रूट फाइव हो या सिंपली रूट फाइव हो कुछ भी हो क्वेश्चन तुम बता सकते हो इट इज इरेशनल हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? यस मैम। हाँ तो अभी तुम लोग अपनी नोटबुक में करोगे प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल, करो जल्दी से, अब मन से करो, मैंने समझा दिया है, स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी। थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल, पूरा ढंग से लिखना कि लेट इट इज रैशनल इक्वल टू p बाय q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और फिर सिर्फ रूट फाइव को एक साइड रहने देना और बाकी सबको उधर ले जाना। मैम हमें इस क्वेश्चन में भी रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना होगा या फिर सिर्फ इतना लिख के हो जाएगा? नहीं, अगर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है जैसे अभी जो तुम कर रहे हो उसमें क्वेश्चन में ही कई बार लिखा रहता है इट इज गिवन दैट रूट फाइव इज इरेशनल, लेकिन ना भी लिखा हो तो हमें उसकी इरेशनलिटी प्रूव नहीं करना है, हम उसमें ये लिखते हैं एज वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल, है ना, तो LHS हमारी इरेशनल आ रही है और RHS रेशनल आ रही है और बीच में इक्वेलिटी साइन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है और दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, तो वेयर एवर यू आर हैविंग इन कॉम्बिनेशन दैट रूट टू रूट फाइव रूट थ्री देन यू नीड नॉट प्रूव दैट दीज आर इरेशनल, यू विल जस्ट राइट एज वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल रूट टू इज इरेशनल वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, इज इट ओके? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ वो तो सिंगल अगर प्रूव करना पड़ता है कि रूट टू इरेशनल प्रूव करो रूट फाइव इरेशनल प्रूव करो तब तुम्हें पूरा वैसा करना है जैसा हमने कल किया था। ठीक है, yes, ma'am. और अगर कॉम्बिनेशन में आएगा तो सिर्फ हम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा नेटवर्क चला गया था, पता नहीं कॉल अटेंड किया, तो बोलो। कुछ नहीं मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ वो पता नहीं एक स्टूडेंट का कॉल आया तो वो उसको मैंने अटेंड किया तो उतने में वो लॉस्ट कनेक्शन आ गया था। ठीक है ठीक है, एक न्यू स्टूडेंट आया ना कुछ कुछ क्लासेस में तो दैट्स व्हाई उनको कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो चलो लेट इट बी। हाँ हो गया बेटा ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ गया, प्रॉपर तरीके से लिखा है, शॉर्टकट तो नहीं मारा? यस मैम। नो मैम। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में और अब देखो और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, ताकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेंगे तो तुम्हें क्लियर होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है कि इसी को फिर से समझाऊं? मैं दूसरे समझा दीजिए। हाँ देखो 1/√2 इज इरेशनल, ये करना वही प्रोसीजर सेम रहेगी, 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ऑन स्क्रीन इट इज विजिबल क्लियरली बेटा? यस मैम। यस मैम। देखो लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल, 1/√2 को हमने रैशनल मान लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/√2 इक्वल्स टू a बाय b, a अपॉन b भी लिख सकते हो, p अपॉन q भी लिख सकते हो, कुछ भी। जहां पर कंडीशन लिखना जरूरी है
कि ए और बी कैसे हैं, ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब यहाँ से क्या आ गया, देखो कर्सर पे ध्यान देना, वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा ऐसे। लेकिन हमको वन बाय रूट टू तो हम नहीं बता पाते हैं कि वन बाय रूट टू रेशनल है या नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा इधर ऊपर और ए आ जाएगा नीचे और रूट टू चला जाएगा ऊपर। तो हम इसको क्या रेसिप्रोकल अगर कर दे, सिंपली रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू ऊपर, तो रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो व्हाट डू वी गेट, रूट, हाँ ये तो बहुत सिंपल हो गया, रूट टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब बी अपॉन ए भी क्या है, रेशनल नंबर ही है ना, जैसे बी अपॉन ए फॉर ए अपॉन बी फॉर एग्जाम्पल हमने माना टू बाय थ्री, तो बी बाय ए क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू, तो थ्री बाय टू भी रैशनल है ना, हाँ। तो आप कैसे लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट बी अपॉन ए इज रैशनल, है ना, तो आर एच एस हमारी क्या है, रैशनल है, सो रूट टू इज ऑल्सो रैशनल। तो अगर ये रैशनल है और बीच में इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब ये LHS भी क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। लेकिन हमको तो पता है कि रूट टू क्या है, इरेशनल। लेकिन जब हमने ये जो गिवन है इसको रैशनल मान के चले और आगे बढ़े तो हमको क्या मिल रहा है कि रूट टू रैशनल है, लेकिन ये तो गलत आंसर है, गलत रिजल्ट है। तो ये गलत रिजल्ट क्यों मिला, this wrong result we have got because of our wrong assumption. What did we assume? That 1 by root 2 is rational. So if this is wrong, then what is correct? 1 by root 2 is irrational. Then मैं अभी स्क्रीन से ही देख के तुम इस क्वेश्चन को लिखो, इसमें पूरा properly लिखा है, how to write it, just go through it. स्क्रीन से देख के अभी इसको लिखो पूरा। इतनी जल्दी इतना लिख भी लिया, शॉर्ट शॉर्ट साथ साथ में कर रहे थे। अच्छा मैम साथ साथ में किया था। ओके तो एक बार रीड करो ढंग से। When you will complete it, just let me know, then we will do the next one. Is it done, beta? Ma'am, yes, ma'am. Okay. Let's see the next one. अब next one को साथ साथ लिखते भी जाना है ना? देखो, what is next? Prove that 7√5 is rational. इसको मैं इसलिए एक-एक question पे insist कर रही हूँ, because it is very important part of this chapter. तुम पिछले कितने भी सालों के paper उठा के देख लेना। एक आध साल ही कोई ऐसा मिलेगा चार पांच साल में कंटिन्यूअसली कि जिसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इस टाइप के तुम्हें, अदरवाइज हर साल एवरी ईयर यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ अब क्या करोगे, 7√5 को तुम्हें प्रूव करना है कि रैशनल है, तो सॉरी इरेशनल है, तो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, 7√5 बी आर रैशनल नंबर, 7√5 equals to AB, where A and B are co-prime.
and b is not equals to 0 and b is not equals to 0 then write it like 7 root 5 equal to a by b. अब क्या चाहिए बेटा हमको, रूट फाइव को अकेला करना है. रूट फाइव के साथ कौन है यहाँ पे? सेवन. तो सेवन को भगाओ आर एच में. सेवन यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड. तो क्या मिलेगा? रूट फाइव इज इक्वल्स टू ए अपॉन सेवन भी मिलेगा. यस मैम. है ना, बस. अब ये देखो, रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन सेवन भी. तो हम LHS और RHS को कंपेयर करते हैं, इन बिटवीन इक्वालिटी साइन इज देयर. तो a अपॉन 7b इज व्हिच टाइप ऑफ नंबर? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. तो अगर ये रैशनल है तो रूट फाइव ने भी क्या होना चाहिए? रैशनल. रैशनल क्यों? इक्वल का साइन, बीच में इक्वालिटी साइन है ना. इट मींस रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल. तो अगर रूट फाइव इरेशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? इट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन. तो हमारा एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो राइट क्या है? तो रामा बेटा ये क्लियर हो गया किस तरह से लिखना है? जब सिर्फ इधर LHS या RHS में सिर्फ रूट फाइव, रूट टू, रूट थ्री को रखना है हमें, और जब वो बच जाए तो हम फिर ये लिखते हैं कि इसका मतलब अगर एक साइड यहाँ पे हमारी RHS क्या है, रेशनल है, तो LHS भी रेशनल होना चाहिए. लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट है कि रूट टू, रूट फाइव, रूट थ्री ये सब क्या है? इरेशनल. तो तुम्हें सिर्फ ये लाइन लिखनी है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन. लाइक दिस यू शुड राइट. ओके? यस मैम. यू नीड नॉट प्रूव रूट फाइव इज इरेशनल. यहाँ उसकी इरेशनलिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जब भी कॉम्बिनेशन में आए तब. क्लियर? यस मैम. अभी हमने मल्टीप्लीकेशन में देख लिया, डिवीजन में देख लिया, एक एडिशन वाला भी देख लिया. एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन. सिक्स प्लस रूट टू इज रेशनल. पुजित इसको अच्छे से देखना बेटा. यस मैम. देखो इसको हम रेशनल एज्यूम कर लेंगे तो इसको किसके इक्वल लिख लेंगे? ये सब कंडीशन बार बार तुम अब लिख लेना. सिक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू ए बाय बी. अब हमारा क्या काम है? हमको एक साइड में सिर्फ रूट टू, रूट थ्री या रूट फाइव जो भी दिया है सिर्फ उसी को रखना, उसके साथ जो भी है उसको हम दूसरी साइड भगाएंगे. तो इसके साथ कौन है यहाँ पर? सिक्स. सिक्स किस में है? प्लस. उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस. हाँ, तो क्या मिलेगा बेटा? रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाय बी माइनस सिक्स. अब एलसीएम लोगे या एलसीएम ना भी लो तो रैशनल नंबर में से अगर हम कुछ सब सिक्स वगैरह माइनस करें तो भी हमको फिर से रैशनल ही मिलेगा. मिलेगा ना? तो ए और बी इंटीजर्स है तो ए बाय बी माइनस सिक्स भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. और अगर आरएचएस हमारी रैशनल है तो एलएचएस भी रैशनल होगी, लेकिन एलएचएस तो रूट टू है. फिर वही लिख लोगे इस तरह से. ठीक है? यस मैम. इज इट क्लियर? यस मैम. इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ दिस चैप्टर. कर लो ये वाला जल्दी से. ये हो जाए इसके बाद बताना. 1.3 हो गई. 1.3 कंप्लीट हो गई ना? यस मैम. ठीक है. I'm done. हाँ, ओके. ठीक है. अब क्या है नेक्स्ट तुम्हारी बुक में? Revisiting rational number and their decimal expansion. Decimal expansion. Yes. This is ये 1 mark के question वाली exercise है. Let's see it.
इसमें लास्ट ईयर डू यू रिमेम्बर दैट यू हैव स्टडीड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स? यस मैम। यस मैम। तो बस उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कैसा होता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यस, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसमें देखो बेटा क्या है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है following? Rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating. तो ये सारे rational number ही है, इसमें हमको बताना है कि इनका decimal expansion जो होगा वो terminating होगा कि non-terminating repeating होगा। तो इसको हमें डिवाइड नहीं करना है। अब सिंपल से ध्यान देना बेटा, जिसके डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं हम, है ना, सारे जो भी नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है तुम्हारा, अभी छोटा नंबर लेते हैं 17/8। सेकेंड पार्ट लेती हूँ मैं पहले, 8। व्हाट इज डिनोमिनेटर हियर? 8। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8? 2 to the power 3। तो जहां पर भी डिनोमिनेटर में, बहुत ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 की पावर में हो, या फिर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 हो, जैसे देखो सेकेंड पार्ट में 2 की पावर 3 आ रही है, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर क्या है? 5 की पावर 5। 3 1 2 5, it means when you will factorize it, you will get 5 to the power 5, okay? Yes, मतलब सिर्फ 5 आ रहा है, तो या तो किसी के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आए, या फिर सिर्फ 2 आए, या फिर सिर्फ 5 और 2 दोनों आए, तभी उसका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज उसके अलावा कुछ और फैक्टर आ गया तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे फर्स्ट टू पार्ट्स में तो देखो, हियर ओनली 5 to the power 5 इज देयर। यस यस मैम। एंड हियर ओनली 2 to the power 3। तो इन बोथ द केसेस वी आर हैविंग आइदर ओनली 5 और ओनली 2, तो क्या आएगा? इन दोनों ही नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? कर्सर पे ध्यान दो, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? यस मैम। अब एक नंबर ऐसा देखते हैं जिसमें, जिसके डिनोमिनेटर में अदर देन 2 और 5 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? 64/455, है ना। अब 455 के जब तुम प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो यू विल गेट 5, 7 and 13, ठीक है? तुम कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स तो खुद से भी कर सकते हो ना? यस मैम। यस मैम। तो जब 455 के तुमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो यू हैव गॉट 5, 7 and 13। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें 5 तो है एज अ फैक्टर, बट अदर देन 5 and 2 वी आर हैविंग 7 and 13 ऑल्सो। 2 नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 भी है, 13 भी है, तो ये जो भी नंबर होगा रैशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है? तो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब से, हाँ ध्यान से सुनना, टर्मिनेटिंग कब होगा? जब डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है, सिर्फ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो या तो सिर्फ 2 हो, या फिर सिर्फ 5 हो, या फिर सिर्फ 2 और 5 दोनों हो। जैसे अब ये 1600 के केस में देखो, 1600 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो सिर्फ 2 और 5 ही है इसमें? यस मैम। यस मैम, है ना। तो ये इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 हो, 5 हो, या दोनों हो और उनके साथ में कोई और फैक्टर हो, जैसे यहाँ 5 था
लेकिन साथ में कौन है? 7, 13. तो ये क्या होगा, दो और पांच के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये तुम्हारी बुक में इस एक्सरसाइज के ऊपर एक थ्योरम भी लिखा हुआ है. मैं भी बताती हूँ, बुक भी बुक लिखा है. हाँ, 1.5, 1.6 क्या है? पढ़ो नकुल स्टेटमेंट. मैम, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ n into 5n, where n and m are non-negative integers. अब मैं explain करती हूँ उसको, है ना. एक मिनट, मैं book share कर रही हूँ. शुभम is there in the class today or not? बेटा ये अभी बहुत basic concepts में पढ़ा रही हूँ, अभी समझ लेना. ये chapter बहुत important है, छूट गया तो फिर ये तब समझ आएगा जब हमको बेसिक समझ में आएगा. कौन से पेज पे है ये, पेज नंबर 16. अच्छा, जस्ट वेट, इट इज कमिंग. कुछ कम करना. हाँ, यस, पेज नंबर 16 पे है. वन पॉइंट फोर हो गया हमारा, एग्जाम्पल्स हो गए. यस, ये देखो, ये एग्जाम्पल 10 भी करना, ये कॉम्बिनेशन वाला ही क्वेश्चन है ना. फिर एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली. yes, अब ये थ्योरम 1.5 देखो बेटा. x अगर कोई भी रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपांशन या तो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, है ना. तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q. q जो है मतलब कौन, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n, 5 की पावर m, मतलब 2 और 5 के फॉर्म में होंगे. समझ में आ रहा है? n m कोई भी नंबर हो गए बेटा, जैसे 0 भी हो सकती है, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 या 1, 2, 3, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, जबकि n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी अपनी नोटबुक में लिख लेना. जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया वो यही थ्योरम था जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया. हाँ मैम, अगर 2 और 5 की पावर 0 हो गई तो मैम 1 हो जाएगा मैम डिनोमिनेटर में. हाँ, तो दोनों की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, एक कोई तो होगा ना, क्योंकि दोनों की पावर 0 हो गई मतलब 1. yes, तो हाँ, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा. ठीक है, एन और एम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ये इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए तुम्हें, जैसे 3/8, 13/1 to 5, ये तुम देख सकते हो. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग के लिए दिया था. अब 1.6 जो होगा उसमें देखो क्या दिया है. x इक्वल टू p बाई क्यू कोई रैशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में अगर है तो x का डेसिमल एक्सपांशन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा. ये पहले वाले थ्योरम का कॉन्वर्स है. पहले वाले थ्योरम में ये दिया था कि अगर किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की पावर्स के फॉर्म में होंगे. ये 1.5 था. 1.6 उसका कॉन्वर्स है. 1.6 क्या बोल रहा है कि अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा. ओके,
यस मैम दीज आर टू थियोरम्स दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन टू और फाइव के फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपांशन क्या करेगा टर्मिनेट करेगा सिमिलरली अगर किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करता है इसका मतलब ही उसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या होंगे टू और फाइव के फॉर्म में ही होंगे ठीक है Yes, ma'am. ये दोनों थ्योरम लिखना अपनी नोटबुक में और वही है तुम्हारा 1.7 आगे क्या बोल रहा है कि अगर x p by q है मतलब कोई रैशनल नंबर है और q के अगर फैक्टराइजेशन q मतलब डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं इज नॉट ऑफ द फॉर्म अगर 2 और 5 की पावर के फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज Non-terminating repeating. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Then you should write these three theorems in your notebook. ये तीनों अपनी notebook में तुम बाद में लिख लेना homework copy में classwork में लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है homework copy में लिख लेना और अब ये exercise 1.4 तुम आराम से कर सकते हो मैंने इसमें तीन part तो explain कर दिए Yes? Yes, ma'am. एक मुझे अभी ये बता दो ये वाला बताओ सेवंथ पार्ट इसमें लिखा है 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 कैसा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वेरी गुड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्योंकि 2 और 5 तो है लेकिन 2 और 5 के साथ कौन है 7 हां ये क्या है बेटा हां ये जो डिनोमिनेटर है ना इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जो है ना बड़े पक्के दोस्त हैं इनकी बस एक दूसरे से ही बनती है कोई तीसरा फैक्टर आ जाए तो चलता नहीं है इनको है ना ठीक है तो ये ध्यान रखना तो सिर्फ 2 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा सिर्फ 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग सिर्फ 2 और 5 होंगे तो भी टर्मिनेटिंग लेकिन 2 और 5 भी होंगे और कोई तीसरा आ गया तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है यस आप 6/15 का बताओ जरा बहुत जल्दी बेटा तुम लोग कंक्लूजन में पहुंचते हो 6/15 पहले तो बताओ रेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या को प्राइम है क्या 6 और 15 नो मैम पहले इसको सिंपलीफाई करो क्या आएगा इसका रेशनल नंबर 2/5 अब बताओ 2/5 का क्या होगा टर्मिनेटिंग इसलिए सिर्फ डिनोमिनेटर तुरंत नहीं देखना पहले नंबर अगर सिंपलीफाइड फॉर्म में है तो पहले उसको देखो है ना तो 6 बाय इसीलिए दिया है 6/15 देखो पीछे आंसर क्या दिया 6/15 के लिए क्या दिया है आंसर टर्मिनेटिंग हां तो समझ आया क्यों टर्मिनेटिंग दिया है हम 15 को देख के हमको लगता है 3 और 5 है तो तुमने तुरंत कंक्लूजन दे दिया लेकिन 6/15 है बेटा ये सिंपलीफाई हो सकता है बहुत आसानी से तो पहले हम उसको सिंपलीफाई करेंगे है ना ठीक है तो 6/15 एक्चुअली इट इज व्हाट 2/5 तो सिर्फ 5 आ रहा है इट मींस वी कैन राइट इट इज टर्मिनेटिंग ओके So in this way we can say our 1.4 is completed. हाँ इसका बेटा second और third question क्यों करोगे बोलो मैम third में करना क्या है मैम third में तुम्हें बताना है following real numbers have decimal expansion as given below तुम्हें बताना है कि वो rational है या नहीं और rational है तो उनका prime factors कैसे हो सकते हैं तो देखो फर्स्ट पार्ट यहां लास्ट डिजिट के बाद तुम्हें कोई भी डैश वैश दिख रहा है क्या नो मैम नो तो ये किस टाइप का नंबर है सबसे पहले तो ये बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये तो किसका होता है ये क्या हो सकता है रैशनल की इरेशनल रैशनल नंबर तो तुम्हें यही तो बताना है डेसिमल एक्सपेंशन को देख के कि वो रैशनल है कि नहीं तो पहला तो रैशनल है और अगर वो रैशनल है तो उसे p/q के फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे
और क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के नीचे वन लिख के इतने जीरो लगा दोगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? टू और फाइव के फॉर्म में होंगे, यही पूछा है उनने कि किस टाइप से होंगे प्राइम, है ना? ठीक है, अब अगला नंबर जो है इसको देखो, 0.1 ये किस टाइप का नंबर दिख रहा है? इरेशनल, इरेशनल। तो बस इसमें तो इसका वो लिखना ही नहीं है, तो ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो इट इज इरेशनल। थर्ड वाला कैसा है? रेशनल है, इरेशनल। हाँ, थर्ड वाला रेशनल है, बार लगाए डिजिट्स पे, बार लगाए ना ऊपर, यस मैम, फिर मतलब इतना सेट ऑफ डिजिट रिपीट होगा, तो ये किस टाइप का है? डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, तो रेशनल, बस हो गया। ठीक है, यस मैम, यस मैम। अब इसके क्यू मतलब इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कैसे होंगे? टू और फाइव के अलावा भी हो सकते हैं थर्ड केस में, सेकेंड केस में तो हमको लिखना ही नहीं है कि कैसे होंगे, उसके प्राइम फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, और इसमें टू और फाइव के फॉर्म में ही होंगे फर्स्ट वाले में, है ना, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो अपनी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है, आज के लिए इतना सफिशियंट है, इतना आज जो जो पढ़ा, एक तो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस और ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये तुम लोगों को आज करना है। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम, यस मैम। अच्छा, मैं एक बार अटेंडेंस ले रही हूँ, जरा मुझे बता दो, यहाँ सिर्फ 11 बच्चों के नाम आ रहे हैं। नकुल, स्वर्णिम, अदिति, याशिका, अक्षरा, रामा, भूपेंद्र, हितेंद्र, पुजित, जानवी, मोनिका, किसका नहीं आया? 13 दिख रहे हैं इसमें। इसके अलावा कोई था क्लास में? निलय नहीं था आज क्लास में? मैम, बहुत अच्छे, इतने 11 स्टूडेंट ही थे क्या? चलो, जिसका नाम होता तो बोलता ही, बहुत अच्छी बात है, बहुत तरक्की कर रहे हैं टेंथ के बच्चे, अभी 11, अभी शुरू में ही गोल मार रहे हैं। शुभम नहीं है, निलय नहीं है, और कौन नहीं है? दो तो ये हो गए, पांच, प्रणव, प्रणव, एब्सेंट है, प्रणव, प्रियांशी दोनों नहीं है, यस मैम, रतिका भी नहीं है, और रतिका तो बहुत गोल मार, रतिका को समझा देना बेटा, लास्ट ईयर भी बहुत इरेग्युलर थी वो, बाद में दिक्कत आएगी फिर। ठीक है बेटा, ओके, यू कैन लीव द क्लास, वी विल स्टॉप बाय शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओके, साई राम चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। साई राम मैम, थैंक यू मैम।